हेलो गाइस, तो आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा कुछ चटपटा और स्पाइसी रेसिपी लेके आती हूँ, तो आज ऐसे ही मैं एक रेसिपी लेके आई हूँ, पनीर द प्याज़ा, कि आप घर पे पनीर कैसे बना सकते हो, वो भी एकदम रेस्टोरेंट जैसा। अभी मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जो पनीर आपको दिख रहा है वीडियो में, ये भी मैंने घर पर ही बनाया है। मैंने इसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से जाकर आप इस लिंक इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप घर पर पनीर कैसे बना सकते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाए ताकि मेरी वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बताना। सबसे पहले तो आप पनीर को ऐसे रेक्टेंगल शेप में काट लेंगे ताकि पनीर ज़्यादा सही दिखे। आपको ज़्यादा छोटा ना बड़ा नहीं काटना, आपको एक रेक्टेंगल शेप में काटना है ताकि जब आप फ्राई करें तो पनीर टूटे ना। तो इसलिए ज़्यादा छोटा भी मत काटिएगा पनीर, नहीं तो ब्रेक हो सकता है, इससे आपको दिक्कत होगी। तो आप हमेशा पनीर एक रेक्टेंगल शेप में थोड़ा सा बड़ा काटें ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे और पता चले कि हाँ पनीर आपने डाला है। सबसे पहले तो आपको मैदा चाहिए, क्योंकि आपको पनीर द प्याज़ा में आपको हर एक स्टेप पे ज़रूरत पड़ेगा। जैसे कि आप पनीर का पेस्ट बनाएंगे, आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा, इसका अगर फ्राई करेंगे वहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगा। आपको 2 बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट चाहिए और आपको दही चाहिए, और ये आपको प्याज ऐसा काट के रखना है जैसे कि आप देख सकते हैं, ना पतला कटा है ना मोटा कटा, आपको ऐसे ही काट के निकालना है। इसका भी मैं वीडियो जल्दी ही बनाऊँगी कि आप पनीर द प्याज़ा चिल्ली पनीर का प्याज कैसे कट करेंगे। तो आपको सिंपल ऐसे ही प्याज कट करना है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। तो गाइस ये है विनेगर जो कि सब्जी में यूज़ होता है और इससे ही पनीर भी फाड़ा जाता है, और ये है टमाटो केचप जिसका हम लोग यूज़ करेंगे पनीर द प्याज़ा बनाने में। तो गाइस अभी हम स्टार्ट करते हैं जो पनीर है उसका पेस्ट बनाना ताकि हम इसको फ्राई कर सकें और इसको अच्छा टेस्ट दे सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग पनीर को एक बॉल में ले लेंगे, आप बॉल में ले सकते हैं, छोटा बर्तन आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बॉल लिया हुआ है और यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या आपको यूज़ करना है। सबसे पहले तो हम लोग दही लेंगे क्योंकि दही बहुत ज़रूरी है, दही से आपकी नहीं है तो दही ज़रूर ले डालेंगे, बिना दही के टेस्ट नहीं बनेगा। अगर आपका दही फ्रिज में रखा है तो बनाने से 10 मिनट पहले आप दही को बाहर रख दीजिए ताकि ये थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में आ गए। तो इसमें हम लोग दही यूज़ करेंगे। सबसे पहले कप मैंने दही इसमें डाला है, ज़्यादा नहीं, आपको 2 या 3 चम्मच डालना है। मैंने 3 चम्मच डाला है, और ये जो था जिंजर का गार्लिक का पेस्ट था जो मैंने अभी इसको ग्राइंडर में ग्रेट किया हुआ, तो इसको मैं डाल दूँगी इसमें। और इसमें मैं अब डालूँगी थोड़ा सा, तो गाइस इसमें डालेंगे 1 चम्मच सोया सॉस, ज़्यादा मत डालेगा। अगर आपको मीठा नहीं पसंद है तो आप कम डालेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा मीठा पसंद है इसलिए मैं इसमें सोया सॉस डाल रही हूँ, क्योंकि इसे थोड़ा टेस्ट आपको चटपटा लगेगा। डालेंगे अपने स्वाद अनुसार, जितना मैं मुझे लग रहा है। आपको अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर कम पसंद है तो कम डाल सकते हैं, तो मैं ज़्यादा उतना ही डालूँगी। इसमें हम लोग स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, ना नमक पसंद होता डाल सकती हैं, तो मुझे जितना पता है उतना डाल देंगे अपने स्वाद अनुसार, अपने पनीर के हिसाब से। और लेकिन आपको मैदा कितना चम्मच चाहिए, तो आप मैदा मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं 2-3 चम्मच यूज़ करूँगी, ताकि बस इतना हमको करना है कि जो मैदा इसमें चिपक जाए। तो मैंने 3 चम्मच मैदा लिया हुआ है, अब मैं इसको मिक्स करूँगी धीरे धीरे, देख सकते हैं आप। इसको अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, सब एक ही में वो हो जाए। तो मैं कहूँगा कि आप इसको हाथ से मिक्स कीजिए, क्योंकि चम्मच से टूट सकता है क्योंकि बहुत मुलायम होता है, तो आप इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कीजिएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको पूरा अच्छे से मिक्स कर दिया, आप देख सकते हैं एक एक पनीर में अच्छे से सारा मसाला लगा हुआ है। और इसको हम लोग अब तलेंगे ताकि ये टाइट हो जाए थोड़ा सा, ताकि ये अच्छा लगे और कुरकुरे लगे। तो चलिए हम लोग ले चलते हैं गैस। तो गैस अभी देखिए हम लोग गैस पे तेल रखा है ताकि एक मीडियम फ्लेम पे गैस है, ताकि तेल बहुत गर्म हो जाए। और आप भी अगर गैस पर रख रहे हैं तो ज़्यादा तेज़ मत रखिएगा, मीडियम फ्लेम पर रखिएगा और तेल पूरा गर्म कर लीजिएगा ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। तेल इतना रखिएगा ताकि ये पनीर जो है उसमें डूबे ना, बस हल्का फुल्का सा थोड़ा सा ही डूबे। अभी आपको दिखाती हूँ कैसे रखना है। तो चलिए मेरा तेल तो गर्म हो रहा है, वेट कर लिया जाए तब तक गर्म होने तक। अभी आप देख सकते हैं मैं कैसे डाल रही हूँ यहाँ पे धीरे धीरे, आप देखिए सारा
ना एक एक करके डाल रही, क्योंकि अब अगर सारा एक ही बार डाल देंगे तो ये जल जाएगा, इसलिए आप आराम से एक एक करके अच्छे से डालिएगा। आप देख सकते हैं मैं कितने आराम से डाल रही हूँ, आपको भी उतने ही आराम से डालना है। ये नहीं कि आप एक ही से पकौड़ी छानते वैसे नहीं छानना है, इसको बहुत इजीली छानना है आराम से रिलैक्स होकर, और एकदम मीडियम फ्लेम पे आपको पकाना है, ना कि ज़्यादा कम ना ज़्यादा टाइट। तो गाइस देख सकते हैं आपको ऐसे आप फॉग से भी थोड़ा सा स्लोली स्लोली इसको हटाइए, क्योंकि इसकी जितनी भी ग्रेवी है वो छूट जा रही है। तो मैं कहूँगी कि बहुत आराम से इसको निकालिएगा, आप फॉग यूज़ कर सकती हैं या स्पून या जो भी होता है, लेकिन मैं कहूँगी कि आप इसको अच्छे से निकालना हो तो जितना हो सके आप ट्राई करें कि इसको अच्छे से निकाल सकें। देखिए मैं अभी निकाल रही हूँ, धीरे धीरे उलट रही हूँ, और इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा कम। तो गाइस आप देख सकते हैं इसको फ्राई करने के बाद कितना टेस्टी दिख रहा है, जितना टेस्टी दिख रहा है उतना टेस्टी खाने में भी होगा। अभी तो ये हम लोग बस फ्राई किए हैं, इसके बाद तो मेन जो बनाना है बाकी है, तो चलिए उसका स्टार्ट करते हैं। हम लोग सब्जी का स्टार्ट कर रहे हैं, जो मेन बनाना है उसमें हम लोग अभी तेल मेरा गर्म हो चुका है, और अब इसमें मैं जीरा डालूंगी। ज़्यादा नहीं, आपको जितना अच्छा लगे उतना डाल सकते हैं। जीरा डालने के बाद इसमें हम लोग प्याज डाल के भुनेंगे। अब देख सकती हैं अभी हम लोग इसमें, अगर शिमला मिर्च नहीं है तो आप 2-3 हरी मिर्च का डाल सकते हैं, ताकि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे और टेस्ट भी अच्छा है। अभी इसमें हम लोग डाल रहे हैं हरी मिर्च, तो अब इसमें हम लोग प्याज डालेंगे, और सारी प्याज डाल जितना प्याज हम लोग सब इसमें डाल देंगे, और इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि ये थोड़ा सा लाइट स्मूथ हो जाए, ताकि हम लोग मतलब पनीर डाल सकें। तो अभी आप देख सकते हैं इसको बस चलाएँगे हम, अभी हम इसको थोड़ा सा 5 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि लाइट ब्राउन कलर का हो जाए। तो अगर आपको भी करना है तो आप भी लाइट ब्राउन करके फ्राई कर सकते हैं। आप देखिए थोड़ा जल्दी स्मूथ हो जाए, तो मैंने भी थोड़ा हल्का सा कुछ नमक डाला है ताकि जल्दी से स्मूथ हो जाए और थोड़ा गैस की बचत हो जाए। तो आप भी ऐसे ही चीज़ें मैं खाऊँगी। तो गाइस जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको पनीर में ग्रेवी चाहिए, तो आपको ग्रेवी के लिए मैदा यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैंने मैदा बताया था कि मैदा आपको कई जगह यूज़ होने वाला था, एक तो हम लोग उसका पेस्ट बनाने में यूज़ हुआ था, और अभी इसकी ग्रेवी बनाने में यूज़ होगा। इसमें हम लोग हल्का हल्का पानी डालेंगे और उसको ग्रेवी बनाएंगे, ताकि ग्रेवी तैयार हो जाए अच्छे से, और ताकि ये और थोड़ा सा गाढ़ा दिखे। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी डालेंगे, ताकि थोड़ा सा बस, ज़्यादा नहीं, आप 2-3 चम्मच डाल सकती हैं। देखिए अभी हम इसको चला रहे हैं, देखिए अभी हम पानी की तरफ पूरा घोल दिए हैं इसको। आप ग्रेवी के लिए आप जितना पानी चाहिए आप उतना घोल सकती हैं, तो मैं थोड़ा सा ही घोली हूँ अभी, क्योंकि मुझे ज़्यादा गिरता है। तो इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं इसके साथ ही, तो आप सब्ज़ी में डाल सकते हैं, तो मैं इसी में डालना प्रिपेयर करूँगी। ज़्यादा मैं स्पाइसी नहीं खाती हूँ, तो इसलिए मैं नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर ली हूँ। तो अगर आपको भी अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। मैं कहूँगी लेकिन ज़्यादा तीखा मत खाइए, थोड़ा कम तीखा खाइए, क्योंकि नुकसान करता है ये। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि अभी मेरा प्याज भी पक रहा है अच्छे से, तो वो पक जाएगा तब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके रख ले रही हूँ। तो देखिए हम लोग का प्याज भी लगभग हो ही गया है, थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है, और थोड़ा सा बाकी कर लेंगे, और दोबारा इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे बनने के लिए। तो अभी हम लोग इसमें सारा डालेंगे, तो मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या डालेंगे। सबसे पहले तो इसमें हम लोग जो मैंने पेस्ट बनाया था, जो कि मैदे का था, उसको हम इसमें डालेंगे। धीरे से आप मीडियम फ्लेम पे करके इसको आप आराम से डालेंगे, ताकि आपको ग्रेवी काफ़ी अच्छा लगे। अब इसमें हम लोग सोया सॉस डालेंगे, ताकि इसका सोया सॉस डालने के लिए सब भी आपके अपने स्वाद अनुसार, अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप सॉस ज़्यादा डालेंगे, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप नहीं डालें, कम डालिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा मत डालिएगा। वैसे मुझे पसंद है तो मैंने ज़्यादा डाला है, आपको अगर ना पसंद है तो कम डालिएगा। तो गाइस सबसे मेन होता है सॉस कितना डाल रही हैं, क्योंकि केचप से ही इसका सारा जो चीज़ होंगे, आप सॉस बहुत ज़्यादा डालिएगा। अगर मैं तो 4-5 चम्मच डाली हूँ, अगर आपको पसंद है सॉस तो डालें, क्योंकि बिना सॉस के कहूँगी कि सॉस इतना हो सके आप एक्स्ट्रा ही डालिए, कम से कम 4-5 चम्मच। अब इसको हम लोग मिक्स करेंगे, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा है हुआ। अभी तो मसाला सारा बाकी ही डालना मेरे को, अभी मैंने बस सोया सॉस ही डाला है। अभी मैं विनेगर इसमें डालूंगी, अब इसमें हम लोग थोड़ा सा विनेगर डालेंगे, विनेगर ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा यूज़ करना चाहिए ताकि बस टेस्ट के लिए, तो हमने थोड़ा सा विनेगर मिला दिया। और अब इसको हम लोग मिक्स करेंगे अच्छे से। तो गाइस अभी हम डाल रहे हैं पनीर मसाला, जो कि एवरेस्ट का आता है, तो आप भी आगे मार्केट से आप ले सकती हैं पनीर मसाला। अभी हम लोग 1 चम्मच डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसमें मसाले की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सॉस से ही काफ़ी टेस्टी बन जाता है। तो अब इसको हम लोग मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम लोग नमक, तो
तो गाइस अभी हम लोग नमक स्वाद अनुसार डालेंगे इसमें, आपको जितना नमक पसंद होगा अपने अपने सब्जी अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो हम लोग स्वाद अनुसार नमक डालेंगे इसमें। इसमें हम लोग हल्दी नहीं यूज़ करते हैं, तो आप लोग भी हल्दी मत यूज़ कीजिएगा, मैं आपको ये करूँगी क्योंकि ये बिना हल्दी का बनता है। तो हम लोग इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अगर आप लोग ग्रेवी चाहिए और तो हम उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें ताकि ग्रेवी हो जाए, लेकिन मुझे ग्रेवी नहीं चाहिए तो इसमें पानी ऐड नहीं करूँगा, डायरेक्टली इसमें पनीर ऐड करूँगे। तो हम इसमें पनीर जो हम लोग पनीर फ्राई किए थे उनको मिक्स करेंगे, आराम आराम से हम लोग सारा पनीर मिक्स कर देंगे इसमें, इतना करना होगा। तो गाइस अभी हम लोग इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जो हम लोग बनाए थे ग्रेवी। मैंने ग्रेवी में पानी नहीं डाला क्योंकि हम लोग को पानी नहीं चाहिए। अगर आप लोग को पानी चाहिए तो आप हल्का सा पानी इसमें डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भी लगा सर मुझे पानी थोड़ा सा डालना पड़ेगा, तो मैं अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल ले रही हूँ। तो अभी देखिए इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी मिला देंगे ताकि ये मिक्स हो जाए अच्छे से। देखिए अभी पानी मिला दिया है और अच्छे से ये मिक्स हो रहा है। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद तो अभी इसको हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट के लिए मीडियम स्लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि इसका जो मसाला हमने डाला है ग्रेवी रेवी वो अच्छे से पक जाए। बस 5 मिनट की ज़्यादा देर नहीं, वो भी कम लो फ्लेम पे। तो अब इसको हम पकाना स्टार्ट करते हैं 5 मिनट के लिए। तो भाई सब देख सकते हैं मेरा पनीर देखा था कितना टेस्टी दिख रहा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।